एवरीवन वेलकम टू न्यूज क्लिक। नमस्कार, मैं परंजॉय गुहा ठाकुर था। आज चर्चा का विषय है बहुत ही एक महत्वपूर्ण विषय, ये है हमारे देश में जो आधार कार्ड ज्यादा से ज्यादा नागरिक इस्तेमाल कर रहे, इसका किस तरह से दुरुपयोग हो रहे, किस तरह से लोग आपका व्यक्तिगत और निजी सूचना चोरी कर रहे और मुनाफा कमा रहे, और सरकार क्या कर रहे या नहीं कर रहे। ये अत्यंत गंभीर, अत्यंत महत्वपूर्ण विषय है और इस विषय में हम बातचीत करेंगे। हमारे साथ आज तीन मेहमान हैं। मेरे साथ है श्रीनिवास कोटाली जी, वो एक रिसर्चर है इस विषय के ऊपर, फ्री सॉफ्टवेयर मूवमेंट ऑफ इंडिया में काम करते हैं। हमारे साथ है मेरा पुराने सहयोगी और मित्र अद्वैत राव पलेपू, अद्वैत राव पलेपू द मॉर्निंग कॉन्टेक्स्ट में पत्रकार है और उनके साथ है, हमारे साथ उनके साथ है अश्विन जी। अश्विन भी द मॉर्निंग कॉन्टेक्स्ट पे काम करते हैं, अश्विन मणिकंदन। आप तीनों को मैं स्वागत कर रहा हूँ, नमस्कार कर रहा हूँ। अद्वैत, मैं आपके साथ आप और अपना आपका सहयोगी जो है आपके साथ योर कलीग जो है अश्विन से हम शुरू करेंगे। ये समस्या इतना गंभीर कैसे हुआ? आपका लेख आया है द मॉर्निंग कॉन्टेक्स्ट में 30 मई में, उसका जो सुर्खियां है, आधार बेस्ड पेमेंट फ्रॉड्स आर बलूनिंग, आधार डेटा अवेलेबल इन ब्लैक मार्केट, काला बाजार में लोगों का व्यक्तिगत सूचना, जो निजी सूचना मिल रहे हैं, और किस तरह से जो अंगूठी छाप फिंगरप्रिंट्स वो भी चोरी हो रहे, क्लोन हो रहे, किस तरह से लोग चोरी कर रहे हैं, और जो उपभोक्ता है, जो जो सिर्फ उनको नहीं, जो लाभार्थी है, the beneficiaries, जो सरकार का अलग अलग सामाजिक कार्यक्रम, उसका भी लाभ नहीं मिल रहा है, और किस तरह से हम देख रहे हैं एक समझौता हो गया कुछ भ्रष्ट बैंक का कर्मचारी और एकदम अपराधी क्रिमिनल गैंग्स, और हम देख रहे हैं भारतवर्ष पर अलग अलग जगह में, उत्तर प्रदेश, अहमदाबाद, हरियाणा, हैदराबाद, अरुणाचल, हर राज्य में कुछ ना कुछ ऐसे चोरी हो रहे और भ्रष्ट काम हो रहे, और पुलिस भी, उत्तर प्रदेश में 50 लोगों को गिरफ्तार किया गया, हजारों करोड़ जो आम आदमी के हैं, जो गरीब आदमी के हैं, ये चोरी हो रहे। तो अद्वैत, लेट मी स्टार्ट विथ यू, कैन यू आउटलाइन फॉर अस हाउ बिग इज दिस प्रॉब्लम? एंड यू सेड इट्स वेरी इजी टू गो टू दीज वेबसाइट्स, दे आर सेलिंग आधार कार्ड्स। आपने ऐसे नाम किया 5-6, बालाजी प्रिंट, इंस्टेंट प्रिंट, ए टू जेड प्रिंट, हर्षित प्रिंट, बेस्ट कार्ड प्रिंट, और आप कह रहे हैं जो चोरी कर रहे हैं, जो स्कैमर है, उसकी कुछ भी जरूरत नहीं है, सम ग्लू, सम एपॉक्सी पट्टी जैसे एमसिन जो हर प्लम्बर यूज इस्तेमाल करते हैं, जो मोमबत्ती कैंडल वैक्स, कुछ बटर पेपर, बस इतना ही चाहते हैं, और लोगों का आप अंगूठी छाप चोरी कर रहे हैं। तो प्लीज गिव अस एन ओवरव्यू ऑफ हाउ सीरियस एंड हाउ बिग this problem has become. Thank you very much, Paranjoy, for your introduction. I think you've kind of encapsulated various parts of our story and our investigation. Technically, these problems have been known for a decade, ever since Aadhaar was first brought about, and in 2010-11, when the wider citizenry was being enrolled into the system, the debate and had veered from just a digital identity project to the perhaps the capability of the Aadhaar being used for surveillance. Now, one of the major contentions of the whole debate was, why are you using biometrics? Because biometrics... ये सरल भाषा में मैं समझा देता हूँ लोगों को, biometrics का मतलब क्या है? एक आपका अंगूठी छाप है, एक आपका आँख, आपका जो iris कहते हैं इसको, और आपका शकल, your face. Right? These are your three major biometrics. Yeah. Yes, please continue. The security of this, bio, of using biometrics, has always been under question.
what we're seeing now is that 10 years later is that turning into a monetary problem. So initially, all this while, there was identity theft, and there's a problem of, can this data be leaked? Can people get unauthorized access to it? Can they clone it? Can they copy it? Can multiple criminals or people with in bad faith utilize this data? Today, we've got proof that they are utilizing this data and withdrawing money from it. The central reason why they can do this is because the Aadhaar-enabled payment system combines the Aadhaar program and finance into one single platform. Now you can use your fingerprint, aapka anguta, se aapka jo tankha milta hai bank account se, wo nikal sakte ho aapka fingerprint se. Ye Aadhaar-enabled payment system kaha jata hai. So because they are able to clone this, aapka anguta ka copies. Ek tarah se chori. Chori, haan. So they are able to copy your fingerprint either through they are able to buy land records from government departments. They are able to use they can pay off any agency, any government agent, any bank agency, and get actual scanned copies of your fingerprint and create copies of them. And through that, they are able to withdraw the money. Now, the scale of this problem is still unclear, but what we do have is data from the government itself, which says that in the last year, there have been about 6.5 crore worth of frauds reported by the banks to the NPCI with regards to illegal use of biometrics. Or NPCI, aap logo ko samjha dijiye, National Payments Corporation of India. Jo ye saare India, jo Aadhaar enabled payment system hai aur jo Aadhaar payment ka jo bridge system hai, ये इसका नियंत्रण करते हैं. They are the ones who manage it. They are the ones who control it. इनका प्रबंधन, इनका नियंत्रण, ये सरकार, ये संस्था. ये सेंट्रल एजेंसी है जो ATMs, UPI, भारत बिल पेमेंट्स, आधार पेमेंट्स, चेक पेमेंट्स का पूरा ऑपरेशंस मैनेज करते हैं. ये एक सेंट्रल एजेंसी है जो जिसके पास हर बैंक का इन्वेस्टमेंट है. अच्छा, मैं आपको रोक रहा हूँ. मैं अश्विन के पास जा रहा हूँ. अश्विन जी, जो भारत सरकार का जो संस्था है UIDAI, यूनिक आइडेंटिफिकेशन अथॉरिटी ऑफ इंडिया, वो 2021 में कोरोना काल में 960 के ऊपर 964 केस ने रजिस्टर किया और 87 लोग और 87 ऑपरेटर का नाम. एक साल के बाद ये 6 गुना से भी ज्यादा बढ़ गया और 155 केस और हम देख रहे बहुत सारे ऑपरेटर बढ़ गया. तो मतलब ये जो समस्या है ये बढ़ रहा है, बहुत बढ़ रहा है और आम आदमी, गरीब व्यक्ति जो सरकार के कॉमन सर्विस सेंटर्स से, जो बैंक का मित्र से, जो बैंकिंग कॉरेस्पॉन्डेंस, बिजनेस कॉरेस्पॉन्डेंस, जो राशन का दुकान से, इनसे इन्होंने सूचना चोरी कर रहे हैं. इस विषय के ऊपर आप कुछ कहिए. श्योर, थैंक यू फर्स्ट ऑफ ऑल परंजॉय फॉर इनवाइटिंग मी. अभी जैसे अद्वैत ने हमको समझाया कि AEPS जो सिस्टम है कैसे काम करता है, तो इट्स अ कोऑर्डिनेटेड एफर्ट बिटवीन UIDAI एंड NPCI essentially to enable beneficiaries who are typically from the rural areas, you know, bottom of the income pyramid, to withdraw or, you know, avail basic banking services. That is the prime purpose of AEPS as envisioned by the finance ministry. It was launched in November of 2010, if I'm not wrong, and the responsibility over the years, it has been handed over to NPCI, you know, to how to operationalize it, how the policy design, among other things. But Paranjay, yahan pe ek cheez hame samajhne ki jo zarurat hai, wo ye hai ki NPCI is not the banking regulator, RBI is the banking regulator. Aur sabse aap logo ko ye bhi bata dijiye, NPCI sarkari bank, unka shareholder hai, but khud public sector company nahi hai. Bahut hi aashchary ek entity. तो ये हम कह सकते हैं न्यू एज
मतलब ऐसे काफी सारे जैसे यूआईडीए का स्ट्रक्चर भी है, मतलब नॉन प्रॉफिट एंटिटीज है ये टिपिकली. तो जैसे एनपीसीआई का जो स्ट्रक्चर है, हम कह सकते हैं कि अराउंड 50% एनपीसीआई का शेयर होल्डिंग पब्लिक सेक्टर बैंक्स के पास है, बट बाकी जो 49% इनफैक्ट अभी 40% प्राइवेट सेक्टर बैंक्स और 10% अभी फिनटेक प्लेयर्स, नॉन बैंक प्लेयर्स, नॉन बैंक ऑपरेटर्स के पास भी है उसका शेयर होल्डिंग. तो ये बहुत ही मतलब यूनिक और इंटरेस्टिंग एक एंटिटी है जो पिछले डेकेड में डेवलप हुआ है. तो जैसे अद्वैत ने समझाया, काफी सारे इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज है. अभी चाहे आप यूपीआई देख लीजिए, एटीएम नेटवर्क देख लीजिए, चेक ट्रंकेटिंग सिस्टम, बहुत सारे इसके अलग अलग रिटेल पेमेंट ऑपरेशंस जो है वो चलाता है. तो एईपीएस का जो फंक्शनैलिटी है वो भी एनपीसीआई के पास है. पर एईपीएस एक ऐसा सिस्टम है जो बहुत ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड है, क्योंकि ये यूआईडीआई से भी डेटा को स्विच डेटा लेता है. आरबीआई, क्योंकि बैंक्स को आरबीआई रेगुलेट करता है, तो ये बैंकिंग इंडस्ट्री के साथ भी बहुत क्लोज कोऑर्डिनेशन में काम करता है. तो अब इस कॉम्प्लेक्सिटी का जो नतीजा ये है कि अभी व्हाट हैज रियली हैपेंड इज एनपीसीआई इज नॉट अ डायरेक्ट रेगुलेटर ऑफ द बैंकिंग करेस्पॉन्डेंट्स हु आर एसेंशियली ऑन द ग्राउंड एनेबलिंग दिस सर्विस टू द लास्ट माइल, यू नो, टू द बेनिफिशियरीज. Now we know that UIDAI is a separate authority on its own, and UIDAI Act के provisions पे वो काम करता है, जिसका NPCI पे कोई control नहीं है basically. तो जैसे हमने अपने story में भी समझाया, ये एक situation है regulatory anarchy का, मतलब anarchy. Exactly. यहाँ पे ना, यहाँ पे इसी विषय में, हाँ कहिए, मैं फिर इसके बाद श्रीनिवास को. तो आपका जो क्वेश्चन था कि इसका स्केल कितना बड़ा है, पहली चीज है कि हमें एग्जैक्टली नहीं पता. जो आपने जो 6.7 टाइम्स इंक्रीज बताया, 964 केसेस बताए, ये वो केसेस जो रिपोर्ट हुए हैं. हम कह सकते हैं बहुत ही कॉन्फिडेंस से, एटलीस्ट मैं तो कह सकता हूँ, क्योंकि ये इतने सारे केसेस है जो रिपोर्ट नहीं होते, क्योंकि बैंकिंग करेस्पॉन्डेंट्स और रूरल जो बेनिफिशियरीज का जो रिलेशनशिप होता है वो बहुत इनफॉर्मल होता है. और केसेस रिपोर्ट नहीं होते. आम व्यक्ति, सेंट्रल एजेंसी, आम व्यक्ति, आपने जैसे आपका लेख में लिखा, जो आम व्यक्ति है, रात का 12 बजे 1 बजे उनका बैंक का खाता से कुछ मामूली थोड़ा बहुत पैसा निकाल गया, उसको मालूम ही नहीं पड़ा. फिर कुछ दिनों के बाद मालूम पड़ा, फिर देखा और भी पैसा ऐसे ले लिया, चोरी कर लिया. हाँ बोलिए जी. बिल्कुल. और बहुत सारे ऐसे यूजर्स हैं जो जनधन के यूजर्स हैं. तो इसमें बहुत सारे ऐसे अकाउंट्स हैं जो डोरमेंट रहे हैं, या जहां पे यूजर्स का एकदम वो नहीं रहता, बिल्कुल अटेंशन नहीं रहता अकाउंट पे. काफी जगह पे अवेयर भी नहीं होते लोग. तो उसी प्लग, मतलब उसी नोट पे मैं ये कहूंगा कि हमें पता नहीं है इसका स्केल कितना बड़ा है, पर ये बहुत ही गंभीर विषय है और बहुत सीरियस इश्यू है. ओके श्रीनिवास जी, आप इस विषय के ऊपर बहुत साल से सरकार को सतर्क करने की कोशिश कर रहे हैं, मगर आप जैसे व्यक्ति आपका बात तो नहीं सुन रहे. कुछ दिन पहले बहुत बड़ा एक विवाद आ गया, एक यूआईडीआई का एक प्रेस रिलीज आया, वो सरकार वापस ले लिया. इस विषय के ऊपर आ रहा हूं, मगर अभी अभी जो अद्वैत और अश्विन ने कहा, ये समस्या बहुत ही बड़ा है. भारतवर्ष में 430 से ज्यादा एनरोलमेंट एजेंसीज हैं, 160 से ज्यादा है ऑथेंटिकेशन यूजर एजेंसीज, 160 से ज्यादा है केवाईसी करते हैं, नो योर कस्टमर. आप 370,000 से ज्यादा सीएससी कॉमन सर्विस सेंटर या कियोस्क है, वो 42,000 करोड़ ट्रांजैक्शन किया, और लगभग आपका 118 लाख से भी ज्यादा बैंकिंग कॉरेस्पॉन्डेंस है, बिजनेस कॉरेस्पॉन्डेंस है, 7.5 लाख से भी ज्यादा जो माइक्रो एटीएम, जो ऑटोमेटिक टेलर मशीन्स है. मगर सरकार एक संस्था दूसरे संस्था को निंदा कर रहे हैं, मगर जो आम व्यक्ति है इस विषय के ऊपर एकदम हैरान हो गया. भारतीय रिजर्व बैंक को कुछ नहीं कर सकते, ये बैंकिंग कॉरेस्पॉन्डेंस जो है बिजनेस कॉरेस्पॉन्डेंस है, और जो डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर जो सरकारी जो अलग अलग कार्यक्रम है वो पैसे देते हैं, ये कुछ नहीं कर पा रहे, वो बैंक को कुछ नहीं कह रहे. यूआईडीआई, वो भी बैंक ऊपर क्या कहेंगे, बैंक के ऊपर इनका कोई प्रबंधन मैनेजरियल कंट्रोल नहीं है, उसका शिकायत करेंगे. और जैसे अभी अभी हमने कहा,
एक तरह से जो नेशनल पेमेंट्स कॉरपोरेशन इट लाइक अ प्राइवेट बॉडी, एक निजी संस्था, और ये पैसा कहां से कमाते हैं? एपीआई यानी कि एप्लीकेशन प्रोग्राम इंटरफेस देते, इससे पैसा कमाते हैं। तो जैसे अभी अभी इन्होंने कहा, नियंत्रण कौन करे? जो अपराधी है कौन देखेगा? ये सिर्फ पुलिस का काम है? भारतीय रिजर्व बैंक का क्या काम है? एनपीसीआई का क्या भूमिका है? वित्त मंत्रालय का क्या भूमिका है? परंजय, अगर ये रूट, ये प्रॉब्लम का रूट देखेंगे आप, आधार कार्ड और बैंक अकाउंट लिंक करने से शुरू होता है। अगर आप ना ही आपका आधार कार्ड बैंक से लिंक करेंगे, तब आधार से आप बैंक अकाउंट से पैसा निकाल नहीं पाएंगे। ये आधार बैंक लिंकिंग को सुप्रीम कोर्ट ने इलीगल और अनकॉन्स्टिट्यूशनल कह दिया, दी आधार जजमेंट ऑफ 2018 ऑफ द आधार एक्ट। Yeah, so particularly says कि आधार और बैंक को लिंक करना मना है, आधार आपको सिर्फ सब्सिडी के लिए यूज करना है, और आधार पैन कार्ड के लिए, टैक्सेशन पर्पस के लिए। मगर UIDAI ने जब एक लेटर लिखा है कि आधार जजमेंट के ऊपर टू द अटॉर्नी जनरल, कि ये जजमेंट हम कैसे इंप्लीमेंट करें, क्या क्या करें, क्या क्या नहीं करें, उसमें उन्होंने एक नैरो सेट ऑफ क्वेश्चंस पूछा है अटॉर्नी जनरल को कि हम ये कर सकते हैं क्या, ये नहीं कर सकते हैं क्या। जैसे डीबीटी है, वो सब्सिडी है, तो डीबीटी पैसा जो है आपका बैंक के खाता में आता है, डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर। अगर आप सरल भाषा में कहेंगे, कोई मनरेगा, जो महात्मा गांधी जो राष्ट्रीय जो ग्रामीण इलाका में रोजगार का जो योजना है, उसके पैसा अलग अलग, जैसे गैस सब्सिडी के पैसे, हाँ, जो उज्ज्वला स्कीम आप कही है, जो मुफ्त में रसोई गैस का सिलेंडर, ऐसे ऐसे सारे सारे सरकारी कार्यक्रम है, बहुत सारे कार्यक्रम जो, तो ये सारे पैसे आपके खाता में आने के लिए गवर्नमेंट को आधार चाहिए होता है। उनके लिए एक एपीआई यूज किया जाता है, यानी एक सिस्टम, तो उसका नाम है आधार पेमेंट ब्रिज। ये सिर्फ गवर्नमेंट के खाते से आपके खाते में पैसे आने के लिए यूज किया जाता है। फिर आपके खाते से पैसे बाहर निकालना है तो आपको बैंक जाना होता है। तो क्या ही रूरल एरियाज में बैंक ज्यादा नहीं है? तो जब आधार पुश किया गया था, तो पूरा बैंकिंग करस्पॉन्डेंट मॉडल्स और माइक्रो एटीएम्स को पुश किया गया था। तो आपको पैसे निकालने के लिए आधार एनेबल्ड पेमेंट सिस्टम्स को और आधार बैंक कार्ड लिंकिंग को लीगल की तरह देखा गया, क्योंकि ये सब पूरा सब्सिडी के लिए यूज किया जा रहा है। मगर बाहर आप देखेंगे तो बैंक सबको आधार कार्ड लिंक करने के लिए फोर्स कर रहा है, मुझे कोई सब्सिडी नहीं मिलता है पर मुझे भी लिंक करना पड़ता है, और ये खुद आरबीआई कर रहा है। नाउ जैसे अद्वैत और अश्विन ने बताया है, ये प्रॉब्लम जो है बहुत साल पुरानी है। आपका फिंगरप्रिंट जो है, ये सीक्रेट नहीं है, ये पासवर्ड है आपका, और ये आप बहुत जगह देते हैं, पासपोर्ट जब लेने जाते हैं वहां देते हैं, ड्राइवर लाइसेंस ले रहे हैं वहां देते हैं, और लैंड रजिस्ट्रेशन करते हैं वहां भी देते हैं। तो इन सब, श्रीनिवास जी, इनका रिपोर्ट में लिखा हुआ है किस तरह से अलग अलग जगह से, जैसे इन्होंने कहा, जैसे ग्वालियर मध्य प्रदेश में, फरीदाबाद हरियाणा में, जो जमीन के जो 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 पट्टा होता है, जो लैंड का जो रिकॉर्ड्स होता है, वहां से चोरी की। जी, तो अब वो डेटा, UIDAI क्या कहता है कि हमारे पास जो भी फिंगरप्रिंट्स है वो तो सिक्योर है, ठीक है, बाकी किसी उसको सिक्योर नहीं कर रहा, मेरा प्रॉब्लम नहीं है। तो ये रेगुलेटरी एनार्की जो बोल रहे हैं ना हम, बैंकिंग में कुछ हो रहा है मेरा प्रॉब्लम नहीं है। UIDAI जो है आइडेंटिटी, यानी आप ये पर्सन है या नहीं डिटरमाइन करता है, पैसा जा रहा है तो वो RBI का प्रॉब्लम है, मेरा नहीं है। अब ये सारे रेगुलेटर एक के बाद एक मेरा प्रॉब्लम नहीं है बता रहे, RBI बोल रहा है कि ये बायोमेट्रिक का इश्यू जो है वो UIDAI का है, मेरा नहीं है। तो मतलब, right?
एक संस्था दूसरा संस्था को बारे में उनका टिप्पणी कर रहे हैं। तो आम व्यक्ति बहुत ही परेशान हो गए हैं, क्योंकि देखिए ये विषय के ऊपर क्यों हम आज बात कर रहे हैं। 27 मई शुक्रवार का दिन UIDAI की बेंगलोर का दफ्तर एक प्रेस रिलीज लगाया, उसमें बोला कि आप आपका आधार का जो फोटो कॉपी किसी की मत देना, जैसे होटल, जैसे कहीं सिनेमा हॉल, और ये अगर देंगे तो बहुत मुश्किल में फंस जाएंगे, क्योंकि इनके पास कोई लाइसेंस नहीं है, यूजर लाइसेंस नहीं है। अच्छा, ये सब इशू करने के बाद बहुत लोग बहुत परेशान हो गए थे कि हमने तो दे ही दिया, कितने बार दे दिया हमारा फोटोकॉपी। फिर उसके बाद 2 दिन के बाद शुक्रवार और ये इतवार का दिन मेटी, भारत सरकार का ये मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, एक और नया इशू किया। वो बोला पुराना जो प्रेस नोट है ये वापस हम ले रहे, इसको हम क्लैरिफाई कर रहे हैं, हम समझ रहे हैं, एक्सरसाइज नॉर्मल प्रूडेंस, मतलब आप जो कर रहे हैं, जो साधारण रूप में आप सतर्क रहिए, मगर ये पुराने जो है वो भूल जाइए। तो लोग अत्यंत आज, मुझे उसको मालूम नहीं है क्या हो रहा है नहीं हो रहा है, दे आर टोटली कंफ्यूज, सरकार क्यों ऐसे किया, इस विषय के ऊपर कहिए आप। हाँ, 2019 में आधार एक्ट को अपडेट किया गया, एक अध्यादेश, देयर वाज एन ऑर्डिनेंस इशूड, एक अध्यादेश किया, और उसमें सरकार बोला बैंक और टेलीकॉम कंपनी ये आपका आधार डिटेल ले सकते हैं। जी, तो वो अपडेट जब हुआ, UIDAI को रेगुलेटरी स्टेटस दिया गया। तब तक UIDAI जो है सिर्फ आइडेंटिटी, आपका पहचान पत्र आइडेंटिफाई करने का एक ऑर्गेनाइजेशन था, बस उस पूरा इकोसिस्टम यानी वो पूरा इंडस्ट्री को रेगुलेटर नहीं था। वो 2019 के अध्याय में UIDAI रेगुलेटर की स्टेटस बन गया। अभी UIDAI के अंदर बहुत सारे डिविजन्स रहेंगे, तो ऐसा बैंगलोर का जो डिविजन था उन्होंने ये वार्निंग प्रेस रिलीज दिया कि आप आपका आधार नंबर हर जगह मत दीजिए। इसका रीजन ये है, आपका पासवर्ड जो है खुलेआम हर जगह है, इसको आप चेंज नहीं कर सकते, आपके फिंगरप्रिंट आप चेंज नहीं कर सकते, राइट, आपका शक्ल आप चेंज नहीं कर सकते। मैं एक मिनट में आपसे पूछ रहा हूं, जो मजदूर है वो हाथ से काम करते हैं, उनका भी घिस जाता है उनका जो अंगूठी में जो छाप है। आप जैसे व्यक्ति आज नहीं, बहुत साल से सरकार को बता रहे हैं कि ये एक समस्या है। जी, ये पूरा बायोमेट्रिक जो पासवर्ड की तरह यूज कर रहे हैं ना, वो गलत था, पहले से ही बता रहे थे, कोई सुनने वाला नहीं था। अभी ये उनका जो एडवाइजरी है, प्रेस रिलीज है, वो ये बता रहा है कि यूजर नेम यानी आपका आधार नंबर जो है पूरा मत दीजिए। अगर आपका आधार नंबर और बायोमेट्रिक दोनों मिल गए तो फ्रॉड होगा। अगर सिर्फ बायोमेट्रिक है, आधार नंबर नहीं है, यानी आपके 12 डिजिट के आधार नंबर में सिर्फ 8 डिजिट ही पता चल रहा है लोगों को, जो कि मास्क होके पता चल रहा है, तब आपके फिंगरप्रिंट से भी वो कुछ नहीं कर पाएंगे, क्योंकि पूरा 12 डिजिट नहीं है किसी के पास। तो ये जो 12 डिजिट यूजर नेम है, आधार नंबर आपका, उसको सुरक्षा रखने के लिए बता रहा था UIDAI। ये एक्चुअली अच्छा एडवाइस था, मगर UIDAI खुद भी आधार को प्रमोट करना चाहता है, आधार को रेगुलेट भी करता है और प्रमोट भी करता है। तो दूसरा डिपार्टमेंट जो है UIDAI के अंदर ही, वो कह रहा है नहीं, हमें आधार को प्रमोट करना है, तो ये पुराना प्रेस रिलीज हम वापस ले रहे हैं। तो मतलब आप कह रहे हैं ये एक बार इधर उधर किया, एक बार प्रेस रिलीज किया, वापस ले गया, क्योंकि UIDAI के अंदर एक मतभेद है और विवाद है। एक हिस्सा UIDAI का चाहते हैं कि ज्यादा लोग इस्तेमाल करें, और बाकी लोग कह रहे हैं, और एक हिस्से लोग कह रहे हैं आप सतर्क रहिए क्योंकि ये आधार कार्ड का दुरुपयोग हो रहा है। ठीक जी,